काजू बिस्टा। धन्यवाद सर। अपनी बात रखने से पहले एक जानकारी आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा। मैं अभी स्वयं दार्जिलिंग से आ रहा हूँ और 8 तारीख को जो दुखद घटना घटी थी, तो दार्जिलिंग के हमारे वीर गोरखा पुत्र सतपाल राय जी, जो बिपिन रावत जी के PSO के रूप में कार्यरत थे, वो भी उस घटना में शहीद हुए। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गोरखाओं की परंपरा रही है देश के लिए अपना सर्वोच्च देने की, वो काम वो करके गए, हम सब के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेंगे। सर, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी, क्योंकि हम सब जानते हैं ये 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ शहर है, और एक तरफ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बॉर्डर लगते हैं। सर, इतना जो है क्रिटिकल क्षेत्र होने के बावजूद भी सड़क की स्थिति बहुत ही नाजुक है सर, और ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से भी ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार के पास, मुझे लगता है, पर्याप्त इनके पास पैसे नहीं और कोई काम हो नहीं रहे। केंद्र सरकार में हमारी कुछ परियोजनाएं ऑलरेडी स्वीकृत हो चुकी है, जैसे बालासन से लेकर के सेबोक तक एक एलिवेटेड रोड बनना है, कोरोनेशन ब्रिज जो 100 साल पहले बना था उसका अल्टरनेट बनना है, NH10 का वाइडनिंग होनी है, और अल्टरनेटिव हाईवे बनना है जो दार्जिलिंग के लिए और सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड। मैं आपके माध्यम से सर, मैं ये चाहता हूँ कि इस योजना जल्द से जल्द चालू हो, क्योंकि अभी 2 महीने पहले भारी वर्षा के कारण बालासन नदी का ब्रिज टूटा हुआ है सर, और पिछले 7-8 दिन से किसी तरह से जुगाड़ के माध्यम से पूरा शहर चल रहा है। मुझे लगता है इतने बड़े शहर की ऐसी स्थिति जो है ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये सड़क से जुड़े हुए जो भी योजनाएं उसको जल्द से जल्द चालू कर दें।